हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डेवलप ए गुड रीडिंग हैबिट। तो मैं कोशिश करता हूं आपको ये जानकारी देने की। सबसे पहले तो आपको पढ़ने का शौक है तो आप एक किताबों की लिस्ट बना लीजिए। दूसरी नंबर पे आप एक गोल बनाइए कि कितनी पढ़नी है, कितना पेज पढ़ना है। थर्ड पे एक आपको अच्छा सा प्लेस चूज करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे शांति हो और आराम से आप पढ़ पाए, और एक टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी कि उस टाइम पे आप पढ़ लें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी रीड करना है उसको एक्टिवली रीड करना है। एक्टिवली रीड करने का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो साथ में उसको समझ भी रहे हैं कि नहीं, या उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं आपकी, पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्टिवली उसको रीड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी डेवलप होगी। तो ये एक अच्छा साधन है आपके पास जिसकी वजह से आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी आपका आपका विकास होता है, एक मेंटल लेवल आपका बढ़ता है और आपकी सोच, आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है, तो उस हिसाब से आपको समस्याओं का समाधान करने की जो सोच है और समझ है वो भी विकसित होती है, और इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले समस्याओं का आसानी से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छी हैबिट डालिए पढ़ने की, आगे बढ़ते रहिए एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ। थैंक यू फ्रेंड।